आप सभी लोग भी मेरे साथ रत्न वंदना बोल सकते हैं, नहीं तो श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर सकते हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको उपनयिको पच्चतं वेदिताम्बो विन्योहिति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। यदिदं चत्तारि पुरिस युगानि अठ पुरिस पुग्गला एष भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसादि। साधु 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 साधु। देशना के प्रारंभ में हमारे अति पूजनीय गुरु भंडे जी को हम नमस्कार करते हैं। श्रद्धांत उपासकों, हमने पिछली धर्म देशना में विपस्सना के बारे में थोड़ी जानकारी देखी है, उनका परिचय देखा है। विपस्सना का अभ्यास करने के लिए हमें जो अनुकूलता चाहिए उसके बारे में हमने बताया था। कोई भी व्यक्ति विपस्सना का अभ्यास नहीं कर सकता है। विपस्सना का द्वार उन्हीं के लिए खुल जाता है जो व्यक्ति सम्यक दृष्टिवान है और जिनका शील सुविशुद्ध है। ये दो अंग होना बहुत जरूरी है। जब ये दो अंग होते हैं तभी वह व्यक्ति अनित्य जो चीजें हैं, दिखने वाली चीजें हैं, वहां पर उसकी नित्य संज्ञा नहीं होती है। जहां दुख होता है वहां उसको सुख नहीं लगता है। जहां अनात्म होता है वहां उसे आत्मदृष्टि नहीं उत्पन्न होती। जो निर्वाण परम सुख है उसको वह दुख नहीं लगता है। तो इस तरह से उसकी दृष्टि सम्यक बनती है और सम्यक दृष्टि बनने के कारण वही व्यक्ति इस विपस्सना का अभ्यास कर सकता है। और भी ऐसी बातें हैं जिनके युक्त होना जरूरी होता है। जैसे हमने पिछले धर्म देशना में बताया है वे गुण अपने होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप ये विपस्सना का अभ्यास कर सकते हैं। विपस्सना एक ऐसा कर्मस्थान का अभ्यास है जो व्यक्ति के चित्त को, हर किसी, कोई भी सत्व हो, देवता हो चाहे मनुष्य हो, व्यक्ति के चित्त के जितने भी आश्रय है, क्लेश है, तृष्णाएं हैं, उसको समूलता से नष्ट करने के लिए एक प्रतिपदा है, एक विधि है, एक रास्ता है। और इस रास्ते पर जो कोई व्यक्ति चलना चाहता है उस व्यक्ति को
उसके अनुकूल बनना चाहिए। भगवान के समय में विपस्सना का अभ्यास करने वाले लोग बहुत अलग थे, क्योंकि उनको धर्म का अवबोध करने करने के लिए जो पुण्य पारमिताएं होनी चाहिए थी वो थी। उन्हीं को कहते थे उद्घटितान्यु, यानी कि उनको भगवान ने बस एक बात कही है कि भिक्षु ये चक्षु अनित्य है, ये रूप अनित्य है, बस इतना कहने मात्र से ही कोई लोग श्रोतापन्न बनते थे, सकृदागामी अनागामी अरहंत बनते, क्योंकि उनकी प्रज्ञा इंद्रिय या उनके जो भी इंद्रिय धर्म इस तरह से परिपूर्ण बने हुए थे, एक पक्व बने थे कि उनको ज्यादा समय नहीं लगा है। मतलब उद्घटित अन्यों का अर्थ होता है कि एक गाथा भी परिपूर्ण नहीं कही, एक गाथा का आधा पाठ ही बता दिया, या गाथा संपूर्ण होने से पहले ही उनको धर्म का अवबोध होता है। ऐसे न जाने कितने लोग थे भगवान के समय में, उनको कहते थे उद्घटित अन्य, जो उन्होंने भगवान के श्रीमुख से शब्द निकलता है और उसी को यथाबोध ज्ञान दर्शन करते हैं, और उनका चित्त समूलता से नष्ट हो, मतलब क्लेश क्लेश उनके चित्त के समूलता से नष्ट होते हैं और वे अनाश्रय बन जाते हैं, अरहंत बन जाते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे कि भगवान की देशना कम से कम, मतलब एक गाथा में, उनको कहते हैं विपंचितान्य, यानी कि कम से कम एक गाथा तक उनको बताना जरूरी होता था, या गाथा का कोई स्पष्टीकरण देते देते उनको समझ में आता था कि अरे ये इस प्रकार का, ये अनित्य स्वभाव है, ये दुख स्वभाव है, अनात्म स्वभाव है। उनको विपस्सना का ज्ञान, विपस्सना ये प्रज्ञा जागती थी और वे भी मुक्त हो जाते थे, वे भी अरहंत बन जाते थे। इस तरह से ये दूसरा दूसरा श्रावक था, उनको क्या कहते थे विपंचितान्य। तीसरा श्रावक होता है, उनको कहते हैं नेय। नेय व्यक्ति के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनको भगवान की एक गाथा सुनने से या उनका स्पष्टीकरण सुनने के बाद भी उतना धर्म अवबोध नहीं होता है, लेकिन उसको बहुत मेहनत करने के बाद जब उसको जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको उनके इंद्रिय धर्म परिपक्व होने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में रखिए, इंद्रिय धर्म परिपक्व होने के लिए उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, उनके जरूरत लगने वाले गुण हैं, उनको एक एक गुणों को पूरा करना होता है। सबसे पहले आरंभ होता है श्रद्धा से, श्रद्धा होनी चाहिए, फिर हीरी ओतप होनी चाहिए आदि जो एक एक गुण है, तो एक एक गुण उनको उनके जोड़ने चाहिए, जिससे कि उनके भीतर के ये जो श्रद्धा इंद्रिया है, वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा, ये पांच इंद्रिय धर्म परिपक्व बनते हैं, और जिस समय ये पंच इंद्रिय परिपूर्ण होते हैं उस समय में, अभी देखिए उससे उससे पहले उस व्यक्ति ने, उस श्रावक ने धर्म को सुना भी हुआ है, केवल गाथा या सूत्र के हिसाब से नहीं, उसका विस्तार भी जाना है, उसको विस्तार से भी समझा है, लेकिन ऐसा होने के बाद, लेकिन उसकी अभ्यास की निरंतरता भी बनाए रखता है, लेकिन तब तक उस व्यक्ति को धर्म का अवबोध नहीं होता है जब तक उनके इंद्रिय धर्म परिपूर्ण नहीं होते, और उसको करने के लिए बहुत मेहनत करता है। तो ये जो बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है ना, तो उसको कहते हैं नेय व्यक्ति। और चौथा व्यक्ति होता है पदपर, यानी कि उसको कितना भी मेहनत करे इस जन्म में, उसको मतलब कोई मार्ग या फल का लाभ नहीं होता है, लेकिन उसका अभ्यास निरर्थक नहीं जाता। जब वो देह छोड़कर सुगति लोक में, देवता लोक में जाता है, और जब तब उसकी इंद्रिया जब और मृदु बन जाती है, यानी कि उसकी श्रद्धा आदि प्रज्ञा इंद्रिय मृदु बन जाती है, यानी कि पक्व बन जाती है, तब वहां जाकर वो श्रोतापन्न आदि बनता है। तो आज के जमाने में ये दो श्रावक हो सकते हैं, कौन से श्रावक, नेय या पद पर। तो अभी ये संभव नहीं है आज के जमाने में कोई व्यक्ति उद्घटिता नहीं बने, यानी कि गाथा का कोई आधा पद ही सुने और वो श्रोतापन्न या अरहंत बने, या थोड़ा सा विपंचितान्य श्रावक भी नहीं हो सकता है आज के जमाने में, क्योंकि आज हम जिस समय, मतलब ये जो भी शासन का काल है, जिस तरह से हम जीवन जी रहे हैं, तो इस काल में इसी प्रकार के स्वभाव मतलब दिखाई देते हैं, तो इसीलिए भी
लेकिन आज भी संभव है धर्म का अवबोध करना, क्योंकि धर्म का अवबोध करना ये व्यक्ति के कारण नहीं होता है, धर्म के कारण होता है। धर्म जब अगर सुविशुद्ध रूप में है, उसके पद और उसके अर्थ, मतलब यानी कि धर्म के पद और उसके स्पष्टीकरण अगर सुविशुद्ध रूप में अगर आज भी है, तो धर्म का प्रतिफल आज भी मिलता है। तो आज है केवलं परिपूर्णं परिशुद्धं, आज भी भगवान का शासन है। तो ये विपस्सना का कर्मस्थान सीखने से पहले समझते हैं कि आखिर ये विपस्सना क्या है। बहुत सारे लोगों ने विपस्सना इससे पहले की होगी, अलग अलग आचार्यों के द्वारा, या अलग अलग तरह से आपने विपस्सना का अभ्यास किया होगा। लेकिन आज आप लोगों को समझना है, आज मैं एक विशेष रूप से ये बताने वाला कि आखिर विपस्सना क्या है और कैसे करनी चाहिए। अगर उसमें कहीं कोई भी अगर बात गलत हो जाती है, तो सही डेस्टिनेशन नहीं मिल सकता है। अगर हमारी दिशा अगर एक एक तरफ मुड़ जाए, और हम चाहें कि हम पूरब की तरफ भी पूरब की तरफ जो जगह है वहां पर पहुंचे, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो इसीलिए दिशा बहुत जरूरी होती है। जो व्यक्ति गलत तरीके से साधना का अभ्यास करता है, वो व्यक्ति मतलब कितना भी चाहे, कितना भी पुरुषार्थ करे, वो अपने सही लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए सही अर्थ समझना जरूरी है और सही प्रयास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने जो भी विपस्सना मतलब की होगी, या विपस्सना के बारे में कोई जानकारी होगी, तो उसको इस मैं जो बता रहा हूँ इस जानकारी से जोड़ना नहीं है। ठीक है, इस जानकारी से जोड़ना नहीं है, जो यथावत जैसा है बताया गया है उसी तरह से स्वीकार करना है। यानी कि अंधव इसमें नहीं, मैं बता रहा हूँ इसलिए नहीं, ये बुद्धवाणी है इसलिए बता। ठीक है, बुद्धवाणी में जिस तरह से बताया है उस तरह से उसको स्वीकार करना है। ठीक है, तो संक्षेप में कहते हैं, ठीक है, कि ये विपस्सना क्या है। विपस्सना ये है कि जो अनित्य दुख अनात्म का संदर्शन कराती है, वो विपस्सना है। यानी कि जिस दर्शन में, जिस देखने में अनित्य दुख अनात्म बोध है, वो विपस्सना है। और दूसरी एक बात है, इस विपस्सना का पर्याय शब्द है, दूसरा पर्याय शब्द है योनिसो मनसिकार। अभी बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ तो मनसिकार बताया गया है, यानी कि बस केवल सोचना चिंतन मनन करना, कोई मतलब कोई ये बड़ी बात नहीं होगी, इससे कोई बहुत लाभ नहीं हुआ होगा। लेकिन भगवान के धर्म देशना में यही अर्थ है विपस्सना का, योनिसो मनसिकार। योनिसो मनसिकार ही एक मतलब ये साधना है, भावना है, और उस भावना से जो ज्ञान पैदा होता है, अनित्य का ज्ञान, दुख का ज्ञान, अनात्म का ज्ञान, उसे कहते हैं विपस्सना प्रज्ञा। यानी कि विपस्सना के तीन चरण है, जिसको मतलब करने के लिए तीन चरण से गुजरना होता है। जैसे कि पहले, सबसे पहले कि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश बताए हैं, जैसे कि ये उपादान स्कंध है, तो पहले हमें उसका ज्ञान श्रवण करना चाहिए, उसको ज्ञान लेना चाहिए, उसे श्रुत में ज्ञान की तरह जो भी है, जिस अर्थ में जो बताया है उसी अर्थ में हमें उसको समझना है, श्रवण करना है और हमारे भीतर उसको धारण करना है। इसे कहते हैं श्रुत में ज्ञान। ये श्रुत में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और जो हम जिस अर्थ में जो भगवान बुद्ध ने उपदेश बताया है, यहाँ मैं ज्यादा बल देकर कहना चाहता हूँ कि जिस अर्थ में भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, उसी अर्थ से, उसी को कहते हैं योनिसो, यानी कि यथार्थ यथार्थ रूप धर्म का मनसिकार, उसे कहते हैं योनिसो मनसिकार। वो होता है पटिपाटी चरण, यानी कि वो भावना है, जब हमारे भीतर मन में वही धर्म जो भी हमने धारण किया हुआ है, जो भगवान जो भी यानी कि भगवान बुद्ध ने बताए हुए के अर्थ में, तो उसी धर्म के अनुसार जब हम योनिसो मनसिकार करते हैं,
वह पटिपत्ति बनती है, यानी कि भावना बनती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं भावना। तो ये, और उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है कि जैसे कि, यानी कि जो बोध पैदा होता है कि जो अनित्य है उसे अनित्य की तरह जब हम देख समझ लेते हैं कि हाँ ये सचमुच अनित्य है, तो उसका जो उसमें जो ज्ञान पैदा होता है, उत्पन्न होना है, तो वो होता है विपस्सना प्रज्ञा, उसको भावित प्रज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन चरण जब परिपूर्ण होते हैं तभी व्यक्ति सही मायने में विपस्सना, मतलब भाविताय बहुलीकृत आदि रूप से कर सकता है। ठीक है, तो विपस्सना आज तक आप लोगों ने अलग अलग तरह से की होगी, लेकिन जो अभी जो हम साधना बताने वाले हैं उसी तरह से करेंगे, क्योंकि और ये साधना की जो विधि है उस विधि तक आने के लिए वो पहला चरण होना जरूरी है। कौन सा चरण? कि जो साधना का जो सैद्धांतिक पक्ष है, जो उसकी जानकारी, जो भगवान बुद्ध ने जो सुविशुद्ध धर्म बताया है, उस धर्म को यथाभूत यथार्थ रूप में समझना जरूरी है। जैसे कि अभी आज हम पंच उपादान स्कंध के बारे में जानने वाले, प्रवचन सुनने वाले हैं, तो हमें पंच उपादान स्कंध के बारे में डिटेल्स जानकारी होनी चाहिए। कोई भी ऐसा अंग उसके बारे में कोई मिथ्या ज्ञान नहीं होना चाहिए, कोई शंका नहीं होनी चाहिए, और मतलब गलत जानकारी नहीं होनी चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके ऊपर कोई मतलब संदेहजनक कोई बात अगर रहती है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस विपस्सना का अभ्यास करने के लिए, विपस्सना मतलब जैसे कि कर्मस्थान अगर पंचोपादान स्कंध है, तो उसके बारे में परिपूर्ण जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि आखिर ये उपादान स्कंध क्या है, किस अर्थ में भगवान बुद्ध ने बताया है। केवल हम जानते हैं और हम उसका अर्थ अपनी तरह से लगा रहे तो वो भी ठीक नहीं है, तब वह साधना मतलब सही साधना नहीं बन पाती, विपस्सना नहीं बन पाती है। ठीक है, योनिसो मनसिकार करने के लिए यथार्थ रूप में धर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम आज के इस देशना में इस पंचोपादान स्कंध की एक एक जो अंग है उसमें जो आने वाली जो बातें हैं उसको विस्तार से समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि आज हम विश्वास करते हैं कि समाज में या लोगों में या हमारे बीच में नए व्यक्ति हो सकता है, इसलिए भी हमें उसी तरह से अभ्यास करना होगा इन कर्मस्थानों का। ठीक है, और इसीलिए हमें सबसे पहले इनके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। जानकारी लेने के बाद जो शुद्ध ज्ञान होता है तो उसी ज्ञान के अनुसार यथार्थ मनसिकार कर सकते हैं, योनिसो मनसिकार कर सकते हैं, और उसके आधार पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है अनित्य दुख अनात्मा आदि, तो वो ज्ञान विपस्सना प्रज्ञा कहलाती है। ठीक है, और वो विपस्सना प्रज्ञा निबिदाय विरागाय निरोधाय निब्बानाय होती है। ठीक है, यानी कि वही साधना हमारे विमुक्ति के लिए, निर्वाण के लिए उपयुक्त बनती है। इससे पहले आप लोगों ने कभी ये किया होगा, साधना की होगी, लेकिन साधना ये निबिदा के लिए कैसे उपयुक्त बनती है, उसमें विराग विराग के लिए, विराग क्या है और विराग के लिए कैसे उपकार होती है, यानी सहायक बनती है, या निर्वाण के लिए कैसे सहायक बनती है, शायद ये बात मतलब महसूस नहीं हुई होगी, लेकिन जो आज हम जो साधना जिस क्रम से सिखाने वाले हैं, सीखने वाले हैं, तो उससे आपको स्वयं को ज्ञान होगा कि ये सचमुच ये जो ज्ञान है, ये विपस्सना ज्ञान है, ये निबिदा के लिए है, विराग के लिए है, निरोध के लिए है, निब्बान के लिए है, और ये ज्ञान आपको स्वयं होगा। ठीक है, तो ये साधना का अभ्यास करने के लिए और ये विपस्सना का अभ्यास करने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रयास करता है तो उसके लिए कुछ अंग परिपूर्ण होना जरूरी है, जैसे कि पहले हमने कहा है सम्माधिट्ठि और सील की शुद्धता। ये गुण होने के बाद उसी व्यक्ति को कह सकते हैं सुतवा आरये साव को। सुतवा यानी कि जो श्रुतवान है, उन्होंने इस धर्म के पक्ष को या धर्म की जो बातें हैं उस धर्म की बातों को उसने ठीक तरह से समझी है, यानी कि जाना है,
ये किस मतलब क्लियर हुआ है उसके लिए, जो सम्मादिटी है सम्मादिटी की तरह समझता है, सम्मा संकल्प है सम्यक संकल्प की तरह देखता है, तो वो श्रुतवा बनता है, यानी कि श्रुतवान बनता है। श्रुतवान व्यक्ति के, और आर्य श्रावक इद भिक्खवे श्रुतवा श्रुतवा आर्य श्रावको आर्यानं दस्सावि, वही व्यक्ति आर्यजनों का दर्शन करता है, यानी आर्यजनों की, आर्यजन यानी कि या भगवान बुद्ध या भगवान के जो श्रावक होते हैं उनकी सेवा में जाता है। जैसे मैंने पिछले धर्म देशना में बताया कि साधना पर का अभ्यास करने के लिए किन किन जरूरत होती है, तो उसके बारे में जैसे बताया कि वैसे ही। तो आर्यानं दस्सावि आर्य धम्मस्य को विदो आर्य धम्मे सुविनीतो, ये तीन अंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये अंग नहीं है तो वो व्यक्ति इस विमुक्तिदायिनी साधना का अभ्यास कर ही नहीं सकता है, इस विमुक्तिदायिनी विपश्यना का अभ्यास कर ही नहीं सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आर्यानंद दस्सावि आर्यजनों का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, उनकी सेवा में जाना चाहिए। अभी किसी के भीतर श्रद्धा ही नहीं है, समझो किसी के भीतर बुद्ध धर्म संघ के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। वो भले ही बहुत सारे किताब पढ़ता है और बहुत सारी जानकारी इंफॉर्मेशन बहुत होती है, उस व्यक्ति को भी लगता है, लगेगा नहीं कि मुझे किसी भिक्षु के पास जाने की जरूरत नहीं है, और मैं जो जानना चाहिए वो मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे जाने की जरूरत नहीं है। तो वह व्यक्ति मूल रूप से श्रद्धा श्रद्धा में ही आता नहीं है, फिर वो श्रुतवान बनना और आर्य श्रावक बनना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो इसीलिए भी ये आर्यजनों को देखने की मतलब चाहत होनी चाहिए और उनके पास जाना चाहिए। आर्य धम्म में आर्य धम्म से को विदो, और जो भगवान बुद्ध ने जो धर्म बताया है तो उस धर्म में को विदो यानी दक्ष बनना है। मतलब किसी भी अंग के बारे में मतलब कोई मतलब अज्ञानता नहीं होनी चाहिए, परिपूर्णता ज्ञान होना चाहिए। जिस अर्थ में जो उपदेश दिया है उसी अर्थ से वो हमने जानना चाहिए, तब जाकर हम क्या कहते हैं वो व्यक्ति श्रुतवान बनता है, वो व्यक्ति धर्म में दक्ष बनता है, कोविदो कोविद बनता है। आर्य धम्मे सुविनीतो, और जिन धर्मों को उन्होंने मतलब सुना है वैसे अपने आप को उसमें ढालता है, यानी कि उसके अनुसार स्वयं को लगाता है, अपना मन उसकी ओर लगाता है। जिस अर्थ में जो उपदेश दिए हैं उसी अर्थ को अपने दिन धारण करता है, तो वह व्यक्ति सुविनीत तो बनता है। तो इन्हीं व्यक्ति के लिए और पर्याय शब्द है, सब पुरुषानं दस्सावि सब पुरुष धम्मे सब पुरुष धम्मस्य को विदो सब पुरुष धम्मे सुविनीतो। ये तीन अंग परिपूर्ण, यानी कि सत्पुरुष धर्म का वो दर्शन करता है, सत्पुरुषों को दर्शन करता है, सत्पुरुष के धर्म में दक्ष बनता है, और सत्पुरुष के धर्म में सुविनीत बनता है। तो ये तीन अंग जब वो परिपूर्ण होते हैं तब जाकर वो योनिसो मनसिकार कर सकता है। अगर आपको संक्षेप में थोड़ी जानकारी चाहिए तो मध्यम निकाय में 1225 सूत्र के सूत्र में ये जो आरंभ में ही उसकी जो गाथाएं आई हुई है उसको देख लीजिए, ये क्यों जरूरी है और क्यों ये विपस्सना करने के लिए आवश्यक है, इसके बारे में जानकारी है। ठीक है, और उसी सूत्र में ही बताया गया है कि योनिसो मनसिकार किस तरह से, ये बहुत सभी सभी सूत्रों में बताया है लेकिन उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई बताया गया है कि ये योनिसो मनसिकार ही ये पटिपाटी है, यानी कि ये भावना है, आज की भाषा में कहे तो उसको साधना है। ठीक है, उसको प्रॉपर त्रिपिटक में शब्द दिया है भावना, शमत भावना विपस्सना भावना। ठीक है, तो इस तरह से ये विपस्सना भावना करने के लिए श्रुतवान होना बहुत जरूरी है। आर्य श्रावक श्रुतवाने की तीन रत्नों की शरण गया हुआ सम्यक दृष्टिवान शील में प्रतिष्ठित होना जरूरी है। जब ऐसा व्यक्ति होता है तब जाकर वो विपस्सना का अभ्यास करता है। तो हमें आज अभी हम इन पंच उपादान स्कंद के का कर्म स्थान परिपूर्ण समझने के लिए अभी हम इस अभी विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, ये उसकी उसके किसी भी एक भी अंग को ऐसा नहीं
छोड़ना है कि जो कभी ऐसा अनदेखा है या कोई ये समझा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। परिपूर्ण समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उसको समझते नहीं है तब तक उसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। अर्थ को नहीं समझ पाएंगे तो उसके अनुसार यथार्थ रूप में मन स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अगर भावना ही नहीं कर पाएंगे तो हम उससे जो उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा है वो तो उत्पन्न नहीं हो सकती है। अगर प्रज्ञा ही नहीं है तो चित्त के आश्रय कैसे नष्ट हो गए, है ना। तो इसलिए भी इस उपादान स्कंध के बारे में परिपूर्ण जान कर लेना जरूरी है। थोड़ा और भी मैं विपस्सना के मतलब जो अनित्य दुख अनात्म का ही संदर्शन विपस्सना है, लेकिन उसको अन्य भी शब्दों में अगर देखा जाए तो ऐसे कह सकते हैं, समुदय समुदयं अथंगम, यानी कि जिस किसी धर्म का जो भी संस्कार है या जो भी धर्म स्वभाव है उसका समुदय को जानना है और उससे उसके अस्तगम यानी कि उसके निरोध को जानना है, यानी कि उसके उत्पाद को जानना है, उसके व्यय को जानना है। ये विपस्सना ज्ञान है। और विपस्सना ज्ञान ये भी है कि जिसके मतलब जो भी धर्म है जैसे कि उपादान स्कंध है तो उसके अस्वाद को अस्वाद के तौर पर जानना, उसके आदिनव को आदिनव के तौर पर जानना और निस्सरण को निस्सरण के तौर पर जानना, यही विपस्सना है। ठीक है, ये विपस्सना भावना है। और जब उसका बोध होता है, अस्वाद को अस्वाद के तौर पर देख लेते हैं, वो विपस्सना प्रज्ञा बनती है। आदिनव को आदिनव की आदिनव यानी कि जो भी उसका स्वभाव दुष्परिणाम की तरह जो जैसे अनित्य दुख अनात्म है तो उसको यथाभूत जब देख लेते हैं तो वो प्रज्ञा बन जाए, विपस्सना प्रज्ञा। निस्सरण यानी कि उसको इस उस तरह से जो हम यथाभूत ज्ञान दर्शन करते हैं तो वहां पर जो छन जो राग जागता जागने का स्वभाव होता है वो दूर होता है, या द्वेष जागने का स्वभाव होता है वो दूर होता है, मोह जागने का स्वभाव होता है वो दूर होता है। जागने का स्वभाव ही नहीं है, जो पहले जो हम हमारे भीतर पहले से ही राग द्वेष मोह जहाँ जिसको मूल करके उत्पन्न होता है वो स्वभाव भी नष्ट हो जाता है। तो उसको कहते हैं छंद राग विनय, यानी कि जो राग पैदा होता है या पैदा होने की जहाँ मतलब जहाँ मन जागता है, इच्छा जागती है, तो भावना जागती है, वो भी दूर होता चला जाता है। जो ऐसा होता है तो वह व्यक्ति या तो श्रोतापन्न बनता है, सकृदागामी अनागामी या अरहंत बनता है। ठीक है, तो ये एक मतलब विपस्सना के ही विपस्सना के अन्य अर्थों में मैंने बता दिया। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि ये उपादान स्कंद क्या है। ठीक है, हाँ, पंच यानी कि पांच है, और उपादान उपादान का अर्थ ऐसा होता है कि जो भी मूल करके जैसे कि इन स्कंदों में जैसे कि रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संखार है और विज्ञान है, उसको लेकर जो ऐसा भाव जागते हैं उसको पाली में कहते हैं अभिनंदति अभिवदति अज्योसान तिष्ठति। जो उसका जहाँ अभिनंदन होता है यानी कि उसमें सुख आस्वाद को लेकर राग के संस्कार होते हैं तो उसको लेकर उसका अभिनंदन करता है। अगर कहीं कहीं थोड़ा सा मतलब अप्रिय दुखद भाव लगे, दुख स्वभाव प्रकट होता है तो उसको लेकर द्वेष के संस्कार जागता है और उसकी इच्छा वैसी की जगाता है। और मतलब जहाँ मतलब कोई बोध नहीं है, मतलब स्पष्ट ज्ञान नहीं, तो वह मोह के संस्कार जगाता है और जगाने मतलब उसी प्रकार का भाव जागता है। तो और उसी राग द्वेष मोह से युक्त जो उन्हीं स्कंदों को लेकर जो उसका सुख आस्वाद लेता है तो उसको कहते हैं अभिनंदति, उसका अभिनंदन करना है। और अभिवदति, और उसी में जो सुख है या सोमनस्य चैतसिक या शारीरिक जैसे सुख फील होता है तो उसको लेकर वाणी से भी बोलता है, प्रकट करता है कि हाँ सचमुच अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभिवदति अज्जोसानतीत्यति, और उसमें उस प्रकार से आसक्त हो जाता है, मतलब उसमें जो जिस प्रकार का संस्कार है, चाहे राग का है, द्वेष का है, मोह का है, तो उसमें उसका चित्त ऐसा बैठ जाता है, उसमें मतलब उसमें क्या कहते हैं उसको बंध जाता है। ठीक है, तस्य अभिनन्दतो अभिवदतो अज्जोसानतीत्यतो उपपद्यति नन्दी। और इस प्रकार से
जब वो अभिनंदन करता है, अभी मतलब बोल वाणी से बोलता है, उसके गुणगान गाता है, और उस तरह से उस आसक्ति में तृष्णा में ऐसे बंद उसका चित्त ऐसा बन जाता है उसमें, तो उसी कारण से नंदी राग यानी कि नंदी स्वभाव उत्पन्न होता है। उपजति नंदी और या नंदी ता उपादान, और वहां पर उन स्कंदों को लेकर जहां पर वहां पर जो नंदी जागती है उसके सुख आस्वाद को लेकर जो उसका अभिनंदन करना है, अभिवादन मतलब वाणी से बोलना है, या उसके ऊपर उसमें इस तरह से आसक्त तो चित्त हो जाना है, चित्त तो उसमें बन जाना है, तो वही वही नंदी ता उपादान, वह उपादान है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि उपादान का अर्थ क्या है, ठीक है। और हमेशा याद रखना है कि हर भगवान मतलब हर शब्दों का अर्थ वही लेना है जैसे भगवान ने बताया है, ठीक है, अपने और से कुछ ये करना नहीं है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध उपादान के बारे में व्याख्या करते हैं, तो उपादान इसे कहते हैं। और स्कंद, स्कंद का अर्थ होता है कि आप लोगों ने कभी सुना होगा कि जल स्कंद, है ना, जल स्कंद किसी बहुत बड़ी मात्रा में पानी है और उसको बोलते हैं कि ये तो सुविशाल है, उसको मापना या उसको प्रमाण करना बहुत मुश्किल है, उसको तो यही कह सकते हैं कि ये स्कंद है यानी कि जल समूह है, बहुत विशाल समूह है। अपने किसी छोटे से पात्र में लिए हुए पानी को हम स्कंद नहीं बोलते, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ा समूह पानी का समूह स्कंद, या जो भी एकत्रित ऐसा हुई जो पानी है उसको बड़ी मात्रा में है करके नहीं बोलते हैं, है ना, तो उसको तो यही कहते हैं कि ये परित यानी प्रमाण मात्र है। लेकिन अगर समुद्र को देखते हैं तो सुविशाल है, उसका इतना प्रमाण है कि उसको माप नहीं सकते, उसको कहते जल स्कंद। सामान्य किसी छोटे से पत्थर को या किसी मिट्टी के ढेर को हम ऐसा स्कंद या पहाड़ ऐसा नहीं बोलते हैं, है ना, जब वही मिट्टी या पत्थर के बहुत बड़ी मात्रा में सुविशाल से हिमालय है तो उसको हिमालय पर्वत स्कंद बोलते हैं, है ना। तो इसी तरह से यानी कि जो समुच्चय है, जो यानी स्कंद समूह है, तो उसी को ले उसको कहते हैं स्कंद। तो स्कंद है पांच प्रकार के, ठीक है, जैसे कि रूप स्कंद है, वेदना स्कंद है। अभी इस रूप को स्कंद क्यों कहा है, क्योंकि ये रूप के उतने प्रकार है, क्योंकि रूप उतने तरह से मतलब देखना जरूरी होता है कि केवल रूप जैसे हमें दिखता है, मतलब ये जो चार धातु है और चार धातुओं से बना हुआ ये जो रूप है, इतना मात्र से ही मतलब ऐसा ऐसा नहीं कह सकते कि ये इतना ही रूप है, ये इससे परिपूर्ण रूप है। रूप जहाँ तृष्णा उत्पन्न होती है, जहाँ नंदी राग उत्पन्न होता है, जहाँ उपादान पैदा होते हैं, तो ऐसे जितने भी रूप हैं, जैसे कि 11 प्रकार के रूप बताए, उस 11 प्रकार के रूप को कहते हैं सब्बंग रूपम, उसको कहते हैं सभी रूप या परिपूर्ण रूप, रूप स्कंद। तो इस कारण से, और उसमें भी मतलब बहुत सूक्ष्म ये है, मतलब उसमें भी इतने सारे प्रकार है रूप के कि मतलब गणना में बहुत मात्रा में है, तो उसका प्रमाण में प्रमाण या संख्या में बताना भी कभी कभी कठिन हो सकता है, तो इस कारण से भी रूप को स्कंद बताया है। अभी वेदना भी स्कंद इस तरह से बताया है कि वेदनाओं में भी बहुत सारे वेदनाएं हैं और अलग अलग तरह की हैं, और वो भी 11 प्रकार की है, और 11 प्रकारों में भी उप प्रकार बहुत हैं, इस कारण से ये वेदना भी स्कंद है। तो ये पंच उपादान स्कंद है, रूप उपादान स्कंद, रूप उपादान स्कंद, वेदना उपादान स्कंद, संज्ञा उपादान स्कंद, संखार यानी कि संखार को चेतना कहते हैं, तो संखार उपादान स्कंद और विज्ञान उपादान स्कंद, ये पांच उपादान स्कंद है और हमने इसका अर्थ देखा है। तो अभी हम इसका अर्थ समझने के लिए उसको एक एक करके हम देखेंगे कि आखिर ये क्या है और किस तरह से है, ठीक है। तो अगर
हमने उसकी सही से ही अगर व्याख्या समझ ली, समझो तो सही व्याख्या समझ ली, तो उसी को लेकर हम मनसिकार कर सकते हैं, या सही अर्थ समझ लिया तो उसके अनुसार भावना कर सकते हैं, और उसके प्रति स्वरूप जो प्रज्ञा है, विपस्सना प्रज्ञा है, वो उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसके अर्थ को थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ये रूप उपादान स्कंध क्या है। ठीक है, तो रूप यानी कि रूप के बारे में इस तरह से भगवान बुद्ध बोलते हैं, किंच भिक्खवे रूपं वदेत। देखो ये रूप, रूप को मतलब कैसे कहना चाहिए और किसे कहते हैं रूप। रूपतीति खो भिक्खवे तस्मा रूपंति उच्यति। भगवान कहते हैं कि ये जो रूप है, रूपति रूपति यानी कि क्षण प्रतिक्षण जो मतलब बदलता है, नष्ट होता है, भिज्जती यानी कि उसका भंजन होता है, मतलब उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, तो उसको कहते हैं भिंज भिज्जती, पीड़ियति घटीयति कुपदीति, यानी कि जो प्रकोपित हो सकता है, यानी कि प्रकोपित यानी कि जैसे कि उसके वास प्रभावित हो सकता है किसी के द्वारा, घटीयति यानी कि उससे किसी मतलब बाहरी चीजों का जो भी स्थूल रूप में है उसका स्पर्श हो सकता है, यानी कि या जो भी पीड़ित हो सकता है यानी प्रभावित हो सकता है, तो इस अर्थ में रूपति यानी रूपति थी। और भगवान आगे कहते हैं केन रूपति, और किन कारणों से, किन चीजों से वो मतलब छिन्न भिन्न हो सकता है, या पीड़ित हो सकता है, या प्रभावित हो सकता है, किन कारणों से। तो भगवान कहते हैं शीते नपि रूपति, शीते यानी कि जो शीतलता है उससे भी ये शरीर बहुत पीड़ित हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, और मतलब छिन्न भिन्न हो सकता है, नष्ट हो सकता है। शीते नपि रूपति उन्ने नपि रूपति यानी कि उष्णता से भी, गर्मी से भी ये छिन्न भिन्न हो सकता है, नष्ट हो सकता है। जिगिच्छायपि रूपति यानी कि जिगिच्छा यानी कि भूख रूपी रोग है, उससे भूख से भी उसे प्रभावित होता है ये रूप, और उससे मतलब पीड़ित हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। पिपासा भी रूपति, ये जो प्यास है, प्यास से भी ये शरीर, ये रूप उसे पीड़ित हो सकता है, छिन्न भिन्न हो सकता है, और भी प्रभावित हो सकता है। और बताया गया है डंस मकस वाता तप सिरिन सप संफसाने भी रूपति, यानी कि जो बड़ी मक्खियां हैं, मच्छर है, और शरीर में बहने वाला जो वात धातु है, और बाहर के जो सूरज की रोशनी का जो जो पीड़ा है, यानी कि उससे जो शरीर को जो ताप मिलता है यानी कि गर्मी महसूस, उससे भी, और ये जो सांप बिच्छू आदियों का जो डंक मारना या उससे काटना आदि, उससे भी ये शरीर प्रभावित होता है, नष्ट होता है, यानी कि मतलब पीड़ा महसूस कर सकता है, इस कारण से भी रूप कहा गया है। रूपति तीखो भिक्खवे तस्मा रूपं उच्यते। इसी कारण भिक्षुओं इस शरीर को रूप कहते हैं। अभी देखिए इस प्रकार के रूप स्वभाव को या रूप के अर्थ को जब जब समझते हैं तो हमें इतना तो समझ में आता है कि ये जो जैसे कि हम शरीर है हमारे पास, और आज हम हमारे एक अच्छे घर में रहते हैं, कुछ अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, और खाना भी अच्छा खाते हैं, किसी को का अच्छा या कजिन या निकृष्ट ऐसा अलग अलग खाना मिल सकता है, लेकिन खाना खाते हुए भी आनंद लेते हैं, और शरीर कान से कुछ सुनते भी हैं, जीवा से चखते हैं, नाक से गंध लेते हैं, इस पर शरीर से कोई स्पर्श का सुख लेते हैं। तो इस तरह के रूप को लेकर जो हम देखते हैं तो लगता है कि ये रूप तो सुखद है, ऐसे ही लोग कहते हैं कि ये रूप दुख है, या ये रूप के कारण दुख मिलता है, लेकिन हमें तो ऐसा कभी तो नहीं लगता है। तो इस कारण से रूप के
रूप के कारण मिलने वाले आस्वाद में इस तरह से उसका मन बस जाता है, ठीक है, यानी कि इस तरह से वो आसक्त हो जाता है इस रूप को लेकर, जो सुख लेने का जो भाव है और जो चेतना है उससे इस तरह से वो बंध जाता है उसका चित्त, इस कारण से उसके मन में रंच मात्र भी उसके मन में आता ही नहीं है कि मुझे इस रूपी जो दुख है उससे मुक्त होना है, क्योंकि उसी में वो सुख देखता है। अभी आपने चार आर्य सत्य के बारे में जो दुख आर्य सत्य सुना होगा, तो उसमें भगवान ने क्या कहा है, जो दुख का वर्णन करते जाते भी दुख आदि आदि, लेकिन अंत में कहते हैं संखित न पंच उपादान खंदा दुखा। अभी यहां तक आने के लिए वो अर्थ उस मतलब अर्थ हमारे मन में मतलब आता ही नहीं है कि संक्षिप्त रूप में उसको पंच उपादान को ही दुख क्यों कहा है ना। ये रूप को लेकर कभी मन में ऐसा आता ही नहीं है कि इससे ये दुख है। आज देखिए बाहरी दुनियादारी में, मतलब जो भी विश्व के जो लोग हैं, खास करके जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, तो रूप को लेकर इस तरह से आसक्त होते हैं, उसके वास्तविक आदिनों को नहीं देख पाते हैं, उसके अनित्य दुख अनात्म स्वभाव को नहीं देख पाते हैं। और इसी कारण से भगवान ने एक सूत्र में भी कहा है, भगवान कहते हैं कि ये संसार में जो प्राणी बंधा हुआ है इसका कारण यही है कि मतलब इस रूप के प्रति इस कदर वो व्यक्ति आसक्त होता है, इस तरह से तृष्णा से बंध जाता है कि उसके सत्य दर्शन को कर ही नहीं सकता। मतलब उसको उस दुख को ही सुख के रूप में देखता है, ये जो रूप मुझे मिला है, चाहे जिस किसी प्रकार का रूप है, चाहे सुंदर त्वचा देखता है या अपने बाल को सुंदर देखता है, अपने जो रोम है दाढ़ी के बाल है या बाकी भी रोम है जैसे कि पलके हैं भौंहें हैं, तो रोम है केसा लोमा नखा दंता जो भी है, वो सभी चीजों को सुख एक शुभ के रूप में देखता है, उसमें अशुभ है देखता देख ही नहीं पाता है, और उसमें आस्वाद लेता हुआ उसमें तृष्णा में बंध जाता है और अविद्याओं से ढक जाता है। इसी कारण से व्यक्ति बार बार संसार में जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मरता है, और इस भव चक्र में मतलब घूमता रहता है। तो ये सारे विश्व के लोग इसी प्रकार से हैं, और इसी कारण से लगता ही नहीं कि ये रूप दुख है, ये रूप के कारण हमें दुख मिलता है, ठीक है। और यानी कि वो आस्वाद को मतलब आस्वाद को आस्वाद की तरह वो नहीं देख पाता है, आदिनों को आदिनों की तरह नहीं देख पाता है। लेकिन अगर सिर्फ आस्वाद ही होता, मतलब दूसरे सूत्र में वही बताया ना, अगर इस रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान में केवल आस्वाद ही होता तो भगवान कहते कि मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि कोई व्यक्ति संसार से मुक्त हो सकता है, हो ही नहीं सकता बोलते, केवल आस्वाद ही होता तो। लेकिन आस्वाद ही नहीं है, उसका आदिनव भी है। आदिनव यानी कि उसका अनित्य स्वभाव, दुख स्वभाव और अनात्म स्वभाव भी है। इसी कारण से भगवान कहते हैं, इसी कारण से मैं कहता हूं कि इस संसार से सत्व मुक्त भी हो सकता है, यानी कि जो दुख है उस दुख से, जो संखितेन पंच उपादान खंडा दुख है, पंच उपादान स्कंद रूपी दुखों से परिपूर्ण मुक्त हो सकता है, ऐसा मैं कहता हूँ। तो इसीलिए भी हमें ये विपस्सना ज्ञान ये जगाना होता है, आस्वाद को, आदिनव को और निस्सरण को समझने के लिए, और यही विपस्सना ज्ञान है, ठीक है। तो मैंने पहले भी उपदेशों में जो बताया गया है कि जो व्यक्ति नित्य संज्ञा को धारण करता है कि अरे ये नित्य, ये लोक नित्य है या परलोक नित्य है या ये शरीर नित्य है या शरीर में रहने वाला जो मन है या वेदना है, संज्ञा है, संखार विज्ञान है, वो नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है आदि आदि, है ना, या इस लोक को नहीं लेकिन परलोक में जो जैसे ब्रह्म लोक है वो तो नित्य ध्रुव शाश्वत है, हम ही यहाँ जन्म लेते हैं मरते हैं, लेकिन वहां जन्म लेने वाला व्यक्ति अजर अमर होता है, वहां उनको जन्म नहीं है, बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं है, तो वो अमर है। तो इस तरह से वो नित्य संज्ञा जागती है, तो नित्य संज्ञा जागने वाला व्यक्ति भी वो अनित्य का दर्शन नहीं कर पाता, यानी कि विपस्सना नहीं कर पाता है। उसी प्रकार दुख
दुख को सुख के रूप में देखने वाला, अनात्म को आत्म के रूप में देखने वाला ऐसा व्यक्ति भी विपस्सना नहीं कर सकता। ठीक है, तो रूप की व्याख्या हमने देखी है कि रूपतीति रूप, यानी कि जो जिससे प्रभावित होता है, यानी कि जिससे भिज्यति, यानी कि जिससे छिन्न भिन्न होता है, यानी कि प्रतिक्षण उसका उत्पाद वे मतलब होना स्वभाव है, इस कारण से वो रूप है। ठीक है, तो रूप को इसी अर्थ में उसको देखना चाहिए। तो आप पहले थोड़ा सा और मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा कि ये जो शीतलता के कारण या उष्णता के कारण या भूख प्यास के कारण किस तरह कदर हम ये दुख झेलते हैं, क्योंकि ये रूप जहाँ है वहां दुख है। मैं हमेशा एक मैं फील करता हूँ कि जब कभी जिस किसी प्रकार के मतलब कोई दुखद कोई बात हो, मतलब महसूस होती है स्वयं को या दूसरे व्यक्ति को भी देख, तो मेरे मुख से एक सामान्य रूप से एक ऐसा भाव आता है कि जहाँ रूप है जहाँ शरीर है वहाँ दुख है, दुख का होना स्वभाव है। क्या जहाँ रूप है वहाँ दुख है ही समझो, है ना। जहाँ पृथ्वी आप तेज वायु का वायु से बना हुआ रूप है तो वहां पर दुख है। ठीक है, तो ये एक सत्य है और हमें लगता है कि आज जैसे जिस तरह का हम जीवन जी रहे, तो ये रूप जैसे हमारा शरीर मुझे मिला है, अच्छे हमारे हमारा शरीर अच्छा खट्टा घटा शरीर है, सुंदर बाल है, आंखें अच्छी है, त्वचा का रंग भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ऐसा करते करते पल के लिए भी नहीं लगता है कि ये रूप दुख है ना, उसमें सिर्फ सुख आस्वादी लिखते हैं। लेकिन केवल यही रूप, इसी रूप से हमें हमें रूप मिला है ऐसा नहीं। ठीक है, रूप केवल मतलब जैसे हमें ये मिला है और ऐसा ही हमेशा ही मिलेगा ऐसा भी नहीं है। ये रूप मिलने वाले जो जगह है बहुत सारे हैं, बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर हमें ये रूप मिलता है ना। चार अपाय लोक है, निरय लोक है, प्रेत लोक है, तिरछान लोक है, असुर लोक है, फिर मनुष्य लोक है, और रूप लोक में जो आने वाले रहे जैसे चातु महाराज देवलोक है, तावतीस देवलोक है, याम देवलोक है, तुष देवलोक है, याम देवलोक, निमान परिणिमित वश्वर देवलोक, और रूप लोक में और भी 10 प्रकार के रूप हैं, 16 प्रकार के रूप लोक हैं। ठीक है, ब्रह्म लोक है, तो इस तरह से वहां पर रूप मिलता ही है। लेकिन ये शीतेन अपि रूपपति, ये शीतलता से प्रभावित होने वाला रूप कौन सा है वो आप समझ सकते हैं। अभी हमें शरीर मिला है तो इसे शीतलता महसूस कर होती है और उससे हमें पीड़ा भी महसूस हो सकती है ना। जैसे कि अगर देखा जाए साउथ और नॉर्थ पोल में, अगर पृथ्वी के वहां पर जाएं तो -50 डिग्री टेम्परेचर होता है, -60 -75 डिग्री भी होता है, तो वहां पर के लोगों को -55 से आगे जब जाते हैं लोग, तो ये शरीर भी ऐसा मतलब इतना कड़ा बनता है, मतलब हो सकता है ऐसा कभी कभी कि वैसे भी टूट भी सकता है, मतलब ऐसा मतलब भयानक मतलब पीड़ा होती है शरीर शीतलता से। ये पृथ्वी पर की शीतलता कुछ नहीं है, ये जो हम पृथ्वी पर जो जी जो मानवीय शरीर हमें मिला है और इससे जो हमें -60 या -70 डिग्री में चले जाते हैं, तो मतलब कितना दुख होता है उसको ये नहीं कर सकते शरीर कितना प्रभावित होता है। लेकिन एक लोक है, एक दुनिया है, जिस उस दुनिया को उस लोक भूमि का नाम है लोकांतर निरय लोक। ठीक है, ये नरक लोक का ही एक पार्ट है और उसका जो जगह अस्तित्व जगह है 3 चक्रवाल है, जैसे कि एक चक्रवाल है, 2 चक्रवाल, ऐसे 3 है। 3 चक्रवाल अगर ऐसे जैसे कि गाड़ी के पहिया अगर एक जगह कर दिए तो बीच में एक स्पेस बचता है ना, तो उस स्पेस में 8,000 योजन का एक ऐसा स्पेस है, वहां पर ना तो कोई मतलब अग्नि का प्रकाश है, ना चांद तारों का प्रकाश है, ना वहां पर सूरज की रोशनी पहुंचती है, सूरज का प्रकाश है, कोई प्रकाश नहीं है, घनीभूत अंधकार, घोर अंधकार है। और वहां पर इतना मतलब टेम्परेचर कम है, मतलब इतनी शीतलता, इतनी ठंड है
कि सोच नहीं सकते हैं, मतलब उस शीतलता के बारे में कोई ये नहीं। और वहां पर जो प्राणी जन्म लेता है अपने, और ऐसे अंधेरे में जो प्राणी जन्म लेता है, खास करके तो मिथ्या दृष्टि के लोग लेते हैं जन्म, जो मिथ्या दृष्टि के रूप, मिथ्या दृष्टि का और मिथ्या दृष्टि कर्म करने वाले लोग उस लोक में जन्म लेते हैं। अभी ये मैं कल्पना नहीं कर रहा, हम पाली में भी बताता हूँ, जैसे कि रूपनंद सीतेनता रूपनं लोकंतरी कनी रही पाकटंग, उसमें बताया गया है तिन्नन 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 ने चक्रवाला नंग अंतरे एक एक को लोकंतर निर नाम होती। अभी इस 10,000 लोक धातुओं में हर 3 चक्रवाल के बीच में एक वो लोकंतर निर है। 8 योजन सहस्र पमानो, अभी देखिए मैं, मेरा मन की बात नहीं है, आर बात बुद्ध की वाणी के अनुसार बोलता हूँ। यस नेव हेठा पृथ्वी आती न उपरी चंद्रम सूर्य सूर्या सूर्य दीप दीप मणि आलोको निचंदकार, यानी कि वहां के नित्य रूप में अंधकार रहता है और वहां पर निब्बत सत्तानं तिगाउतो को अत्रभाव होती। वहां पर उनके यानी कि गौत तीन तीन गौत, यानी कि कोई एक प्रमाण है, इसी योजन का कुछ बहुत कुछ प्रमाण है, तिहाई हिस्सा है, उतने प्रमाण में उनका बड़ा शरीर मिलता है और उनके नाखून बहुत लंबे होते हैं और मतलब एक लोहे की तरह होते हैं, मतलब मजबूत वाले लोहे। और वे वहां पर के जो पर्वत हैं पब्बद पादे, यानी कि जो पर्वत के ऊपर मतलब उस नाखून मतलब पैर मतलब लटकाए हुए रहते हैं, मतलब उनको नाखून से मतलब जैसे कि चमगादड़ होता है तो वो अपने नाखून से लटकता है, नीचे उनके पैर होते हैं। और जब कभी ऐसा समय आता है कि कोई दूसरा प्राणी एक प्राणी मतलब कोई ऐसे उनको शरीर से कोई घर्षण होता है या मतलब स्पर्श होता है तो उनको लगता है कि अरे कोई तो मुझे खाने वाला प्राणी आ गया है, तो वो डर के मारे अपना हाथ छोड़ देते हैं और नीचे मतलब उस पर्वत से मतलब इस तरह से गिरते गिरते इस तरह शरीर उनका छिन्न भिन्न होता है, मतलब यानी कि बहुत ऐसे मतलब जख्मी हो जाता है। और इस तरह से गिरते गिरते वहां नीचे एक ऐसी एक नदी है जिस नदी का पानी इतना ठंडा और खारा पानी है, खारे नमकीन पानी है और बहुत ठंडा है, उस पानी में गिरते हैं और ठंडा भी है और नमकीन भी है और जख्मे हुए शरीर है और उस पानी में गिरने के बाद जो दुख महसूस करते हैं उस दुख का कोई ये नहीं है, सीमा नहीं को कितना भयानक दुख है। तो इस तरह से, और ऐसा नहीं कह सकते कि अभी तो मुझे इतना अच्छा खासा शरीर मिला है और हम उस लोक में कभी गए ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने संयुक्त निकाय में अनमतज्ञ संयुक्त पढ़ा होगा तो उसमें भगवान बताते हैं कि कुछ मतलब शुद्ध आवास भूमि आदि के लोक को छोड़कर, ठीक है, ऐसा कोई लोक नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये रूप के आदिनों को देखना जरूरी है। जब आप रूप के आदिनों को देखेंगे तो उसके उसको लेकर जो हम अभिनंदन करना है, उसको लेकर जो सुख आस्वाद लेने का भाव है, तो वो समझ में आता है कि वो कितना भयानक है। उसके वास्तविक स्वभाव को जब ये करते हैं तो उसके प्रति जो मतलब जो अभिनंदन करने का भाव है वो दूर होता चला जाता है, ठीक है, वो उसमें नंदिराग दूर होता चला जाता है और इससे चित्त मतलब मुक्त भी हो सकता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें, क्योंकि इस रूप को लेकर जो हम 11 प्रकार के रूप देखने वाले हैं तो उसमें ये भी आता है, अतीत अनागत पच्चुपन्न रूपम अज्जतंग वा बहिदा वा ओलारिका वा सुखमंग वा हीनंग वा पनितंग वा यंग दूरे संति की वा, ये 11 प्रकार का रूप है, ठीक है। तो हमें ये रूप का आदिनव समझना जरूरी है कि ये शीतलता के कारण ये रूप किस तरह से प्रभावित होता है, किस तरह से मतलब दुख पीड़ा महसूस करता है ना, प्रभावित होता है, वो समझना जरूरी। और ऐसा नहीं समझना है कि बाकी दुनियादार के दूसरे प्राणी वहां पर जन्म ले होंगे, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छा खासा शरीर मिला है और हम तो वहां पर ना भूतकाल में कभी गए होंगे और ना भविष्य में, तो हम ऐसे कभी नहीं जाए, ऐसा नहीं है। ये जहां पर ये तृष्णा है, जहां पर ये रूप मिलता है, ये रूप उसके संबंधित दो चीजें हैं, क्योंकि तृष्णा उसमें बंधी हुई है और अविद्या ढकी हुई होने के कारण अकुशल होना स्वाभाविक ही है। और जहां पर ये अविद्या है तो स्वाभाविक है उस अविद्या से अविद्या रूपी जैसे अंधकार है उस अंधकार लोक में जा सकते हैं। और वैसे भी आज भी संसार में
जो संसरण करने मनुष्य लोक में आने के कारण, बहुत बड़े बड़े लाइट लगाने के कारण, चांद सूरज दिखने के कारण, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम भी आलोक में हैं, अविद्या रूपी अंधकार से घिरे हुए ही हैं, ठीक है। लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है कि हम अंधकार में हैं, इसीलिए हम ज्ञान प्रकाश, मतलब जो प्रज्ञा रूपी जो ज्ञान आलोक है, उसकी खोज नहीं करते हैं। क्योंकि कोई अंधा व्यक्ति होता है और उसको लगता है नहीं कि उस अंधेरे से भी कोई आला प्रकाश भी कोई होता है, कुछ होता है, और इस कारण से उसके मन में आता ही नहीं कि प्रकाश कैसा है, मुझे उसे खोजना चाहिए। खोजने जैसी कुछ होती भी नहीं है ना, क्योंकि उसमें उसमें सामर्थ्य नहीं होता। लेकिन उसी प्रकार से व्यक्ति इस कदर अविद्या से घिरा होता है और तृष्णा से बंध जाता है कि उसको मतलब इसका सही वास्तविक दर्शन होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन भगवान ने इस तरह से बताया है कि ऐसा कोई सत्व नहीं है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, ऐसा कोई सत्व नहीं है जो इस जन्म लेने वाले जो 31 लोक धातु है उसमें से शुद्धा भूमि को छोड़कर, क्योंकि वहां से भी अनागामी लोग निकल देते हैं, उसको छोड़कर ऐसा कोई लोक नहीं है जहाँ पर कोई व्यक्ति जन्म न लिया हो, यानी कि जन्म लेता ही है, ठीक है। और इस कारण से कहते हैं भगवान, कहते हैं अनमत गंग भिक्कवे लोको कोटिनपन, यानी कि ये भगवान कहते हैं कि इस लोक का आरंभ ज्ञात करना सुखने की, जब जब से हमें ये शरीर रूपी लोक मिला है, रूप लोक यानी कि जो रूपी लोक मिला है उसका आरंभ ज्ञात करना सुकर्ण, यानी कि बहुत बहुत प्रदीर्घ काल से है। इस कारण से भी कह सकते हैं कि वहां पर हमने ना जाने कितनी बार वैसा दुख झेला होगा। और अगर संसार में आप आज भी अगर हमने विपसना नहीं की तो भविष्य में भी, उसमें कहते हैं अनागत रूप, तो भविष्य में भी उस प्रकार का दुख मिल सकता है। और उतना ही नहीं, बाकी भी है, चार अपाय लोक में से और भी लोक हैं, ठीक है। तो वहां पर बताया गया है कि, और वो भी मतलब उस तरह से शीतल, मतलब बहुत ठंडे वातावरण में, और जब शरीर पत्थरों पर गिरने के कारण बहुत जख्मी होता है, और जो खारे पानी की नदी में वो गिरता है, उससे बहुत पीड़ा महसूस करते हैं। तो उस तरह का भी एक रूप है जो लोगों को, मतलब सत्वों को मिलता है, और उस प्रकार का भी उस शीतलता के दुखों से भी ये शरीर प्रभावित हो चुका था, हो चुका, मतलब बनेगा भी, होगा, मतलब जब तक संसार में है, अगर मुक्ति के रास्ते नहीं पड़े चल पड़े तो। और आज भी वर्तमान में जो मनुष्य का शरीर मिला है, तो यहाँ पर भी पृथ्वी पर जो जब ठंड आती है उससे भी प्रभावित होता है। जैसे मैंने कहा है, साउथ और नॉर्थ पोल में जहाँ बर्फ गिरती है, पर वहां पर अगर जाते हैं तो बहुत पीड़ा महसूस कर, उससे प्रभावित होता है ये रूप का स्वभाव है, ठीक है। बाद में कहते हैं उन्ने नपि रूपपति, रूपपति उन्ने न उष्णता का रूप, तो मतलब पीड़ा या दुख या उससे होने वाले, मतलब जो भी प्रभावित होने वाला ये रूप तो हमें हम महसूस करते भी हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कोई आग की उष्णता है, या और बहुत सारी जो अलग अलग उष्णताएं हैं उसे हम महसूस करते हैं, लेकिन सबसे भयानक आग जहां पर है वो है निरय लोक। निरय लोक में निरय का वर्णन इस तरह से बताया है कि उसकी जो पृथ्वी है, मतलब जमीन है, वो भी लोहमय, यानी कि लोह से है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ लोहमय है। उसकी दीवारें भी और छत भी सभी मतलब लोह से बनी हुई हैं। और वहां पर निपज जापित्वा पंचविध बंधनादि करण काले सत्ता महादुःखं अनुभवन्ति, और वहां पर जब पंचविध दंड देते हैं तो वहां पर प्राणी बहुत महादुख अनुभव करते हैं, इतना दुख कि सोच नहीं सकते। और वो जो लोहे का जो उतना बड़ा सुविशाल जो घर है वो ऐसे ही नहीं है, एक धधकती आग के बीच में, मतलब प्रज्वलित आग के बीच में वो है, मतलब सभी दिशाओं में वो आग ही आग है। तो वहां पर भी जो सत्व जन्म लेते हैं उस महानिरय में, तो जो मिलने वाला दुख है तो सोच नहीं सकते, उसका कोई शब्द प्रमाण नहीं है कि उसमें बताया जाए कि इतना दुख है, ठीक है। और उस प्रकार का दुख भी ना जाने कितनी बार हमने झेला होगा। भगवान कहते हैं ऐसा कोई सत्व नहीं है जो उस तरह के निरे लोक में जाकर ना आया हो, ठीक है। तो केवल जो महाबोधि सत्व जब बनते हैं
वे लोग मतलब अविचि नरक में नहीं जाते, जहां पर वो लोहों में घर है। बाकी कुछ निरय में भी मतलब दूसरे अलग छोटे निरय लोक में भी जा सकते हैं। और लेकिन जो श्रोता पंडा बनता है उन हमेशा के लिए इन दुखों से मुक्त हो जाता है, मतलब अपाय दुखों से, और उनको निर्वाण पाना निश्चित हो जाता है। ठीक है, तो उस तरह का उष्णता से भी उन्नयन रूपण अविचि महानिरय, उष्णता से भी जो अविचि महानिरय में जैसे दुख मिलता है, तो ये रूप इस रूप में भूतकाल में भी और भविष्य में भी उस तरह का मतलब दुख मिल सके ऐसे स्वभाव है। ठीक है, और यहाँ वर्तमान में भी यहाँ बहुत सारी अग्नि आदि के ताप से या उनकी पीड़ा से ये रूप प्रभावित होता है, छिन्न भिन्न हो सकता है, नष्ट होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये रूप का आदिनव है। अगर ये रूप का आदिनव ही स्वभाव अगर समझ लेते हैं, तभी आपके मन में आएगा कि ये रूप सचमुच दुख है, रूप सुख नहीं है, ये समझ में आता है। और तब जाकर हम जब रूप से मतलब होने वाले जो ये है क्या कहते हैं मतलब उसका आदिनव है, आस्वाद है, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उस बाहर आने का मतलब अभिनंदन नहीं करते हैं। निर्विदा विरागा निरोध निरुदाय, वो अपना अपनी दृष्टि अपनी साधना बनती है। जिगिच्छाय रूपण पेत्ति विषय चैव दुर्भिक्ख काले च पाकटन। अभी जैसे कि प्रेत लोक में ऐसे प्रेत होते हैं, जैसे कुंभ पिपासा पिपासिक ऐसे प्रेत होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हजारों या करोड़ भी वर्ष होते हैं, जिनको कुछ लोग मतलब इतने कर्म उसका प्रबल होता है कि लाखों वर्ष बीत जाते हैं और उतने समय से मतलब भूखे रहते हैं, मतलब इतनी भूख की पीड़ा होती है कि सोच नहीं सकते हैं, बहुत भूख पीड़ा होती है। और ये दुख भी कितनी बार मिला होगा ऐसा कोई नहीं कह सकते कि बहुत दुख मिला है। ठीक है, मतलब हर एक व्यक्ति ने ऐसा झेला है। और अभी डिटेल्स में मतलब इतने इतनी जानकारी काफी है कि वहां पर भी इससे रूप प्रभावित होता है और इससे भी मतलब हम इस प्रकार का दुख ये रूप झेलता है, झेलने के स्वभाव का है और इससे मुक्त नहीं है, इसके आदिनों को समझना है। ये मैं आदिनों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि विपस्सना ये आदिनों को ही दिखाती है, जिस कारण से ये जो नंदी राग है जहाँ उत्पन्न होने वाले जो तृष्णा है वो दूर होती है ना, वो दूर होने का भाव जाता है। अगर हमने ये बात नहीं समझी तो हम आगे उसके स्वभाव को नहीं देख पाएंगे, है ना। इसलिए इसका स्वभाव जानना जरूरी। पिपासा है, पिपासा अभी जिगिच्छा के बारे में थोड़ा सा और भी है। किसी किसी प्रेत का बहुत बड़ा शरीर होता है, भूख बहुत होती है, धधकती आँख की तरह होती है और उनको खाने के लिए कुछ होता नहीं। किसी किसी को खाने के लिए होता है, लेकिन मुख पेट भी बड़ा होता है और मुख बहुत छोटा, सुई की नोक की तरह पेट भरता ही नहीं, भूख की पीड़ाओं से परेशान रहते हैं। और उसी प्रकार पिपासा रूपनं काल कंचिका। और प्रेत लोक में भी इस प्रकार के एक होता है काल कंचिक प्रेत लोक। प्रेत के चार प्रकार होते हैं और प्रेत लोक चार प्रकार में एक प्रेत है, उसको बोलते हैं काल कंचिक प्रेत। और वहां पर मतलब ऐसे 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 प्रेत होते हैं, वैसे सत्व जन्म लेते हैं। और ऐसा भी है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो व्यक्ति कभी ना कभी ऐसा न बना हो, यानी कि हमने उस प्रकार का दुख झेला है। ये शरीर रूपी शरीर के प्रति आसक्त होकर शरीर रूपी तृष्णाओं से बन जाने से और इसके सत्य स्वभाव को न जानने के कारण, अविद्या से ढके होने के कारण हमने ना जाने कितनी बार उस प्रकार का दुख झेला है। ठीक है, उसके बारे में ये ऐसा होता है कि उनको इतनी प्यास होती है, मतलब उसके लिए बहुत साल बीत जाते हैं, लाखों भी होते हैं, कभी कभी करोड़, कभी कभी आसन के भी होते हैं, इतने मतलब भयानक दुख होता है, उसके लिए शब्द नहीं है। और ये रूप के कारण ही दुख मिलता है ऐसा। एक ऐसे कुछ उदाहरण होते हैं, कुछ कुछ ऐसे ऐसे भी होते हैं। एको खीर काल कंजिक आसुरो पिपासन अधिवासी। उस एक काल कंजी का प्रेत लोक असुर लोक में भी होते हैं। असुर का असुर लोक का एक पार्ट है काल कंजी। ठीक
ठीक है, प्रेत लोक में भी एक पिपास एक होता है, लेकिन कालकंच पर्टिकुलर आसुर लोक का एक पार्ट है। तो उनके लिए ये प्यास बुझाना, ये प्यास क्यों लगती है, क्योंकि ये रूप है इसीलिए, है ना। और उसको लेकर मतलब कितना भी पानी पिया जाए उनकी प्यास बुझती ही नहीं है। अभी अगर इसके लिए पढ़ना है तो आप विमान प्रेत वत्व अगर पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसमें और बहुत सारे सूत्रों में भी जानकारी आती है, यहाँ पर भी दिया गया है। जानकारी के लिए आप ये कर सकते हैं, आभिधर्म पिटक की जो विभंग ग्रंथ है उसकी आठ में भी देखिए, और विभंग ग्रंथ में भी थोड़ा सा आया हुआ है। तो इस तरह का जो पिपासा का रूपी दुख है वो भी इस, और इससे भी ये शरीर प्रभावित होता है, जिससे बहुत दुख झेलता है और इसी स्वभाव से बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि अविद्या से ढका है, तृष्णा से बंधा हुआ है। और वो कालकंचिक इस तरह से भी होते हैं कि जैसे कि उसको बोलते हैं महासमुद्रम पखंतानम भी महासमुद्र पिट्ठिपाशान होती ते सुसंता बलव दुख पीड़िता विचरंती। और मतलब महासमुद्र में मतलब पानी की जगह पर भी होते हैं, लेकिन उनको पानी मुख में जाए ऐसा कुछ होता नहीं, पत्थर की तरह होते हैं, मतलब उनका शरीर एक पत्थर की तरह होता है और समुद्र में तैरते हैं, तैरने की तरह होता है ना, थोड़ा मुश्किल लगता है। और मतलब लेकिन वो सत्व होता है। और पिपास से इतनी प्यास होती है और कितना भी पानी डाले तब भी उनकी प्यास नहीं बुझती। उसके बारे में एक छोटा सा प्रेत वस्तु पे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक बार ऐसे प्रकार एक प्रेत दिख जाता है, 30 भिक्कू होते हैं जो पिंडपात चारिका की भिक्षा के लिए जाते हैं, तब उनके सामने वो दिखता है। तो वो पूछते हैं को नाम त्वं सब पुरुषात्, हे सत्पुरुष तू कौन है, क्या नाम है तेरा। पे तो हम अस्मि बंधे थे, वो बोलते कि हमें प्रेत हूँ। किं परियेषसि, तू क्या खोज रहा है, क्या चाहिए तुझे। पानी बंधे, मैं पानी खोज रहा हूँ। तो वहां पर बाजू में ही गंगा नदी होती है, अयं गंगा परिपूर्णा, ये गंगा नदी है। किं त्वं न पश्यसि, तू क्या तू वो नहीं देख रहा है। न उपकापति बंधित, मैं वहां पर नहीं जा सकता या मैं मतलब उन तक नहीं पहुंच सकता बंधित। ते नहीं ऐसा है तो गंगा पिट्ठे निपजन, जो गंगा के तीर के नहीं मतलब वहां पर मतलब लेट जा। मुखे ते पानी आसिंचित सामान, मतलब मैं ते हम तेरे मुख में पानी डालेंगे करते। तो वह जाता है और वहां पर उतान होकर लेटता है। और तब भिक्कू 300 मत्ते पत्ते निहरित्वा उदकं आहरित्वा आहरित्वा तस्य मुखे आसन तिंसु, और वो 30 भिक्षु ने अपने भिक्षा पात्र जो इतना बड़ा पात्र था भर भर के उसके मुख में वो डालते गए, घंटे बीत गए, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझ पा रही थी। और ऐसा समय बीतने के बाद वो भंते बोलते हैं भिक्षाचार कालो अम्मा किं सपुर, हे सत्पुरुष हमारा भिक्षा। लेकिन भिक्षु लोगों की वाणी कितनी मधुर होती है ना, जो कोई भी सत्व दिखते हैं तो उनको हे पुण्यवान करके बोलते हैं या हे सत्पुरुष करके बोलते हैं, ये प्रिय वाचक है, या कोई सामान्य मनुष्य है तो उसको आयुष्मान करके बोलते हैं। ये भगवान के श्रावकों की एक बहुत विशेषता है, वो कटुवाणी का कभी शब्द प्रयोग नहीं करते। तो उसको भी कहते हैं कि हे सत्पुरुष हमारे भिक्षा भिक्षा मांगने का समय हो चुका है, क्या हमने इतना इतनी मेहनत से तुझे पानी पिलाया, क्या तुझे थोड़ी बहुत भी प्यास अगर मिट गई, थोड़ी कम हो गई। वो कहता है सचे में भंते 300 मत्ता न अय्या न 300 मत्ते ही पत्ते ही आसित तो उदक। तो वो कहते हैं कि इतना पानी डालने के बाद भी अड्ड पसत मत्तं भी परगलगतं, वो कहते हैं कि अड्ड अड्ड पसत कहने की वो छोटी जो वो ये है ओझल है उसको तो आधी मात्रा में भी मेरे गले से नीचे नहीं गए ऐसा महसूस हो रहा है, बोलते हैं ठीक है, हालांकि बहुत सारा पानी डाला गया। ये प्रेत भाव तो मुखो माह हो, तो मुझे तो लगता है कि ये प्रेत भाव से ही मतलब ये इतना पानी पीने से जो प्रेत में मिलने वाले जो दुख है उसमें कहीं थोड़ा सा भी छुटकारा मिले ऐसा नहीं है। तो इस तरह से ये दुख ये रूप का आदिनव है, ये रूप ये पिपासा यानी कि प्यास से प्रभावित होने वाला रूप है, इसीलिए भगवान कहते हैं पिपासा है रूपन रूपति कहते हैं। और कहते हैं दंसादि दंसादि रूपन, दंस यानी कि जो बड़ी मक्खियां होती है मक्खियों से भी प्रभावित होता है, और मकस यानी कि जो मच्छर है, वात यानी कि शरीर में जो वात होती है जैसे कुछ वात पित्त वात, जैसे कि पेट में कोई वात वात उभरता है पेट में वात धातु,
जब वात जागता है तो बहुत पीड़ा महसूस होती है, इतनी पीड़ा कि बहुत। या तो ऐसे भी होता है कि शरीर रश्मि वात रोगो पज्जति हत्तपाद पीठी आदानी भिंदति। और हो सकता है कभी कभी वात रोग उत्पन्न होने से कभी कभी हाथ पैर भी मतलब टूट सकते हैं या दुर्बल हो सकते हैं, जैसे कि पैरालाइज हो सकते हैं, या मतलब बहुत सारी होती, पीठस सभी कर होती, यानी कि वो उसको मतलब पूरा मतलब शरीर उसका मतलब निर्बल बना सकता है, यानी दुर्बल बना सकता है। आतपो यानी सूर्य ताप हो, यानी सूर्य के जो सूरज की रोशनी से भी ये बहुत बर्बाद होता है। तो सूर्य का जैसे कि कोई जैसे कोई रेगिस्तान है, कांतार है, और वहां पर कोई व्यक्ति जाता है तो बहुत पीड़ा महसूस करता है, और ऐसे ना जाने कितने दुख मिलते हैं। और जहाँ पर ऐसे हैं पूरे पृथ्वी पर कहाँ कहाँ नहीं है, है ना, तो है ऐसे कांतार, वहां पर दुख इस प्रकार का मनुष्य झेलता है। और ऐसी मरुकांतार जो मरुभूमि है उससे प्रभावित होने वाला यह शरीर है, और इसका दुख ये शरीर झेलता है। सरीसृप यानी सरीसृपन की जो सरीसृप जो प्राणी है, जो भी दीर्घ जाति का सरंता गच्छन्ति, जो लंबे शरीर वाले जो सांप बिच्छू आदि जो भी प्राणी है, उस ते संग संपस्य न रूपपनम, और उनके मतलब उनके संस्पर्श यानी कि उनके डंक मारने से, काटने से या आदि आदि उनके विष से उनको बहुत पीड़ा होती है, और ये पीड़ा ये शरीर महसूस करता है। ठीक है, तो इस तरह से इन चीजों से प्रभावित होने वाला जो रूप होता है तो उसी को कहते हैं रूप, और इसी स्वभाव का रूप है। रूपतीति को भिक्खवे तस्मा रूपं दीयते, ये इससे प्रभावित होने वाला स्वभाव है, इसी कारण से ये रूप है। तो इसको लेकर ये कहते हैं, अभी हम देखेंगे कि रूप के अन्य प्रकार भी कैसे हैं। मुझे लगता है टाइम भी बहुत हो गया, ठीक है, फिर भी देखते हैं कुछ तो भी, और थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट, ये टॉपिक बहुत बड़ा है क्योंकि अभी तो हमने यहाँ तक ही देखा, क्योंकि इसको जब हम परिपूर्ण रूप से जब समझेंगे, फिर समझने के बाद जब मैं एक उसकी विपस्सना करने की जो विधि बताऊंगा कि इस तरह से हमें ये विधि ये करनी है, ठीक है, उसको अलग अलग तरह से अनिच्छ दुख अनात्म की प्रज्ञा जगाती हुई उसकी विपस्सना करनी है, उसकी विधि बताऊंगा, उसकी 2-3 तरह की विधियां बताऊंगा, तो आपको वो करना आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं रूप के बारे में, रूप शब्द, रूप ये मुख से बोलू या बताओ या आप भी स्मरण करेंगे तो आपको रूप के स्वभाव और रूप के उसके अर्थ को समझना बहुत जरूरी। सब्बंग रूपंग अनिच्छं के ऐसा मन में कहते हैं तो आपको सब्बंग रूप का अर्थ आना चाहिए, कि जो सब्बंग रूप का अर्थ क्या है, पहले रूप अर्थ समझना चाहिए, सब्बंग रूपंग क्या होता है, जो भी अनित अतीत अनागत पच्चुपान्न अज्ञतंग वा बहिदा वा ओलारिका वा सुखमांग वा हीनंग वा पणितंग वा यंगदूरे संति, सारा ये रूप उसके प्रति संबंध। ठीक है, तो हम अभी कुछ मिनट तक इसके थोड़ी व्याख्या देखते हैं। तत् कतम हो रूप खंदो, अभी हमने स्कंद के बारे में बताया है कि स्कंद किसे कहते हैं, है ना, जो राशि में जो बहुत बड़ी एक और ढेर है, मतलब जो बहुत बड़े से इकट्ठा समूह है, तो उसको कहते हैं रूप कहते हैं, जैसे उनका समुच्चय को, राशि को, इकट्ठे होने के मतलब उसके अस्तित्व को रूप कहते हैं। जैसे कोई ये आकाश धातु है, और आकाश धातु में जब भी पृथ्वी आप तेज वायु एकत्रित हो जाती है तो इस आकाश के कुछ स्पेस को घिर जाती है, मतलब उससे भर जाती है, तो उसको रूप कहते हैं। इसलिए रूप के हर व्याख्या में कहा जाता है चतुर्नंच महाभूतानं, चतुर्नंच महाभूतान उपादाय रूपं। ठीक है, तो हम आगे देखने वाले हैं कि रूप की व्याख्या के बारे में, तो ये इस तरह का रूप है। तो यंकिंच रूपं अतीत अनागत बच्चुपन, लगता है कि टाइम नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको भी आपको समझना जरूरी है, उसकी व्याख्या है, अतीत का रूप क्या है, अनागत का रूप क्या है ना, वर्तमान का रूप क्या है, तो उसकी हर एक व्याख्या को देखना जरूरी है। तो ठीक है, अभी तक जो हमने जानकारी देखी है इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, मैं आपको मैंने इसको संदेश को बोला है, या तो आपके ग्रुप पर
वो एक पीडीएफ भेजेंगे जो पंच उपादान स्कंध के बारे में और हर एक व्याख्या के बारे में, और नहीं तो यहाँ पर भी आपको चैट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे पीडीएफ, वो पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और उसको पाली में भी और अपनी भाषा में, जैसे अभी अपनी भाषा में समझने के लिए बता रहे हैं उसको अर्थ समझना है, लेकिन पाली में भी उसको समझना है, ठीक है। अगर पाली समझ में ना आ जाए तब भी वो पाली के हर एक शब्द को समझना है, ठीक है। तो आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसके अनुसार ये समझ लीजिएगा, ठीक है। और ये कर्मस्थान का अभ्यास सिखाने के लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये सभी रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, ये सभी एक एक अंग को 11 11 प्रकार से उनको बताने के बाद, उसके बाद आपको ये विपस्सना का अभ्यास विधि बताई जाएगी, और उसके मैं 2 3 विधियां बताऊंगा, उसके भी हर एक विधि का एक प्रवचन होगा, तो कम से कम 3 प्रकार से विधि होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें समझना है, तो आपको पीडीएफ मिलेगी, तब तक आप ये करिएगा, उसको पढ़िएगा और आगे की जो भी जानकारी है धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। तो आज जो हमने धर्म देशना सुनी है ये विपस्सना कर्मस्थान को समझने के लिए बहुत उपयुक्त है, और ये धर्म साधना अगर आपको समझ में आती है तो समझ में आती भगवान ने बताई हुई इस बातों को अगर सुनने के बाद अगर श्रद्धा उत्पन्न होती है तो आपकी ये जो श्रद्धा इंद्रिया है वो इंद्रिया पक्व बन जाती है सुनने के बाद, और जब आप उसके भावित करके प्रज्ञा में स्थित होते हैं तब ये श्रद्धा विशुद्ध बन जाती है। और ऐसी मतलब श्रद्धा प्रकट होना, श्रद्धा प्रकट होने के लिए ये धर्मदेशना उपयुक्त बनती है। वीर्यं पगन्नात् यानी कि आपका जो वीर्य है, पुरुषार्थ है, वो दृढ़ बनता है। स्मृति उपस्थित बनती है, मतलब ये धर्मदेशना सुनते समय या भावना करते समय, ठीक है, तो ये स्मृति उपस्थित रहती है। चित्तं समादेते, चित्त समाहित होता है, और पन्याय पजानत, और प्रज्ञा से उसको समझते हैं, तो आपके भीतर ये प्रज्ञा मतलब ये जो इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है, श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि और प्रज्ञा, ये इंद्रिय एक एक इंद्रिय धर्म पक्व होने की ओर जाते हैं, और जैसे जैसे ये इंद्रिय धर्म पक्व बनते हैं आप साधना में उतने ही पक्व बनते हैं, धर्म में उतने पक्व बनते हैं, और जैसे जैसे पक्व बनते हैं आप वैसे वैसे प्रतिफल प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो इन साधनाओं के बारे में समझे और क्या कहते हैं, जो आज मैंने जो धर्म देशना बताई है उस देशना को बिना भूले, उसमें दिए हुए हर पद को समझे, और आगे की साधना सीखने के लिए इस प्रवचन मालिका से जुड़े रहें, तभी ये बात संभव है। ये बात अभी ऑनलाइन सिखाने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली सामने अगर सिखाएंगे तब एकदम डिटेल्स और बहुत अच्छी तरह से सिखा सकते हैं, ठीक है, और 100% इस धर्म के महान प्रतिफल को भी पाया जा सकता है, ठीक है। जब भविष्य में ऐसा मौका आए तो हम जरूर मिलेंगे और हम जरूर आप लोगों को सिखाएंगे प्रत्यक्ष रूप में, ठीक है। तो आज की ये धर्म देशना आप सबको धर्म का ज्ञान पाने के लिए, विपस्सना का अभ्यास करने के लिए प्रेरक बने, और ये धर्म देशना का पुण्य आप सबको अपने इंद्रिय धर्म को परिपक्व करते हुए धर्म के महान प्रतिफल यानी कि परम निर्वाण पाने के लिए हेतु प्रत्यय बने करके आशीर्वाद करते हैं। सुखेन दुखा निरोगा हंतु, निर्वाणस्य पचे हंतु, सुखी हंतु। साधु साधु साधु।